स्टार्ट। जब किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा धारा 407 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है, तब वह अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका सेशन न्यायालय अनुपालन करता है। यदि उसके द्वारा उस मामले का विचारण किया जाता है, संघ के सशस्त्र बल से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के सुसंगत नियम ऐसे मामले के लिए बना सकेगी जिनमें सेना या वायुसेना संबंधी विधि या अन्य ऐसी विधि के अधीन होने वाले व्यक्तियों का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा जिसको यह संहिता लागू होती है या सेना न्यायालय द्वारा किया जाएगा, तथा जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और ऐसे अपराध के लिए आरोपित किया जाता है जिसके लिए उसका विचारण या तो उस न्यायालय द्वारा जिसको यह संहिता लागू होती है या सेना न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे नियमों को ध्यान में रखेगा और उचित मामलों में उसे उस अपराध के कथन सहित जिसका उस पर अभियोग है, उस यूनिट के जिसका वह हो कमान ऑफिसर को या यथास्थिति निकटतम सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक स्टेशन के कमान ऑफिसर को सेना न्यायालय द्वारा उसका विचारण किए जाने के प्रयोजन से सौंप देगा। पैराग्राफ चेंज। जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के, जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्यु दंड एक दंड के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है, इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए भी निर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह प्रतिभूओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंध पत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा, परंतु न्यायालय लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात और उन कारणों से जो उस द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आदि अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध को जारी रखने का आदेश कर सकेगा या व्यक्तिगत बंधपत्र के बजाय प्रतिभूओं सहित या रहित जमानत पर उसे छोड़ देगा, परंतु यह और कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक
के लिए किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में किए गए विलंब के कारण भोगी गई निरोध की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा। यदि वह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया गया है या वह 2 या अधिक अवसरों पर पहले दोष सिद्ध किया गया है। स्टॉप।